पिछले क्लास में मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक बता दिया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या था, तो उसमें हम आपको बताए थे कि दो केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन भाग में क्लासिफाई किए थे, कौन कौन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, तीनों का एग्जांपल भी देख लिए थे। आज के क्लास में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानने से पहले आपको एक सीरीज याद करना होगा जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आखिर होता क्या है, द सीरीज ऑफ एलिमेंट इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, है ना, वैसा सीरीज एलिमेंट का जिसमें वो अरेंज होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, माने घटते क्रम में। तो बचपन में आप पढ़े होंगे कि घटते क्रम में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ जो हाईली रिएक्टिव है उसको हम लिखे हैं पोटासियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, एसएन तीन होता है, पीबी लेड, एच हाइड्रोजन, सीयू से कॉपर, एचजी, एजी सिल्वर, एचजी से मरकरी, एयू से गोल्ड, ठीक है। ये सारा जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं लिस्ट रिएक्टिव, माने कम है, कम अभिक्रियाशील, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन से यहाँ पे लिखा ना, थोड़ा थोड़ा होता है, जो हाइड्रोजन से एवक है ना वो रिएक्टिविटी ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सबसे हाई रिएक्टिव हो गया आपका पोटासियम, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से नीचे आते हैं तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो है गोल्ड, ठीक है। आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे एफी, ठीक है, एफी देखिए हाइड्रोजन से एवक है कि नहीं, एकदम गॉड्स है। CuSO4 कॉपर देखिए तो हाइड्रोजन से नीचे है कि नहीं, तो नीचे वाला क्या बता रहे हैं, लिस्ट रिएक्टिव, ऊपर वाला क्या बता रहे हैं, मोर रिएक्टिव। गौर कीजिएगा बात को, है ना। हम अभी आपको बताए थे कि हाइड्रोजन से एवक वाला जो है वो रिएक्टिव हो जाएगा, हाइड्रोजन से नीचे वाला है वो लिस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो परिभाषा क्या कहता है कि वैसा केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कम वाला को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि जानते हैं ना कैसा जमाना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जो दम बरियार है, पावरफुल है, उसी का राज चलता है, है ना। जो थोड़ा सा छोटा है, कम है, मतलब कि उसको बोलते है जाना तुम उधर जाना, वही खसका देता है ना। यहाँ पे पावर में कौन है, आयरन, ठीक है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, वही बता रहा है दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट किसको कह रहे थे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टूगेदर एंड एक्सचेंज ऑफ एटम्स और आयंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझिए डेफिनेशन पहले समझिए क्या कहता है। ठीक है, दो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अनावासा केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करता है टूगेदर, है ना, इन द एक्सचेंज ऑफ एटम्स, है ना, रिएक्ट टूगेदर एंड एक्सचेंज ऑफ एटम्स, साथ में रिएक्ट किया और एक्सचेंज होता है एटम्स का और आयंस का, टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं, लिखते हैं AgNO3 रिएक्ट विथ AgNO3 रिएक्ट विथ NaCl, NaCl क्या बनाएगा बताइए, एक्सचेंज होगा। ठीक है, यहां पे रिएक्शन हो रहा है, AgNO3 रिएक्ट करेगा NaCl के साथ, क्या बनेगा, AgCl, AgCl प्लस NaNO3। AgNO3 था, ठीक है, अब यहां पे एक्सचेंज कैसे हुआ देखें गौर से। ठीक है, AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। ठीक है, तो हुआ कैसे देखो, AgNO3 यहां पे सिल्वर के साथ नाइट्रेट का फॉर्म बना, ठीक है, यहां पे सोडियम के साथ क्लोरीन, है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, जबकि यहां पे हो गया कुछ एक्सचेंज हुआ कि नहीं, क्लोरीन किसका जगह पे ले लिया, तो क्लोरीन किसका जगह लिया, तो सॉरी एजी जो है सिल्वर के जगह पे, यहां पे देखिए नाइट्रेट किसके साथ था, नाइट्रेट है सिल्वर के साथ, लेकिन वो क्या जा रहा है यहां पे, नाइट्रेट किसके साथ आ जा रहा है, सोडियम के साथ, यहां पे देखिए सोडियम NaCl मतलब कि क्लोरीन के साथ कौन सा है, सोडियम है, जबकि यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे कौन ले रहा है, एजी ले रहा है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए AgNO3 तो इसका जगह पे कौन ले रहा है, सोडियम ले रहा है कि नहीं, तो AgNO3 की जगह पे कुछ आ गया, NaNO3 आ गया, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज होता है उसको हम क्या करते हैं, तब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, खाली जो बड़ियार वाला है वो कमजोर वाला के धक्का देकर उसके जगह पे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जहां में दो या दो से अधिक कंपाउंड रिएक्ट करता है और एक्सचेंज ऑफ एटम्स होता है, उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक, देखिए समझिएगा, ऑक्सीडेशन में याद रखिएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होगा आओ क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है, तो उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। वैसा केमिकल रिएक्शन, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एंड रिमूवल ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, याद रखेंगे, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। अब व्हेन, नोट में याद रखेंगे, व्हेन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स
केमिकल रिएक्शन इन ए केमिकल रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा तब उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर सिंपल ऑक्सीडेशन की बात किया जाए तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन की बात किया जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और नोट में क्या बताया, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफर साइमल्टेनियसली माने परस्पर दोनों होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तब उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग। CuO plus H2, ठीक है, देखिए गौर से। CuO हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, Cu plus H2O बना। देखिए यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हट रहा है, तब ना CuO यहां पे था, यहां पे Cu हो गया, यानी ऑक्सीजन हट रहा है कि नहीं, तब बताइए। देखिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं बताइए तुम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, तो देखेंगे कि अलग तरीके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से रिडक्शन है यहाँ पे, तो इसको क्या हो गया, ये रिडक्शन बता रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखिए H2 है, तो H2 में हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे तभी ना H2O होगा। तो जब H2 यानी कि यहां पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। आ इतना हमको पता है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते। तो यही हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन विद एग्जांपल। ऑक्सीडेशन पूछेगा सिर्फ इसमें दिखा देंगे, क्या दिखा दीजिएगा आप, CO प्लस H2, इसमें आप रिप्रेजेंट कीजिएगा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे H2 से H2O बना, सिंपल डेफिनेशन है। देखिए ये दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए, नहीं कि तब दोनों के दोनों होगा, जरूरी नहीं है, है ना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये काफी है, ये भी होना चाहिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों में से एक, दोनों में से कोई एक हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा। सिमिलरली रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों में से कोई भी एक होगा तो हम क्या कहेंगे, इसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। आज जब दोनों एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद एक और था जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, है ना। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सा हो सकता है, तो जाकर के H2O4 रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, H2SO4 रिएक्ट विद NaOH तब बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भी बेस है, बने गया Na2SO4 साल्ट हो गया, H2O वाटर रिलीज हुआ। तो ये था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ना इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव है, तो इसका दो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है, ऑक्सीडेशन इफेक्ट्स ऑफ
सॉरी इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ क्या क्या है, इसमें हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका कोरोजन, कोरोजन नंबर वन क्या है इसमें आपका कोरोजन। नंबर टू है आपका रैंसिडिटी, रैंसिडिटी ठीक है। नंबर वन है कोरोजन, नंबर टू है रैंसिडिटी ठीक है। कोरोजन क्या होता है तो इसको समझिएगा, ईटिंग अप ऑफ मेटल, ईटिंग अप ऑफ मेटल, ईटिंग अप ऑफ मेटल ग्रेजुअली, ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर, वाटर एंड सन बैक्टीरिया ईटीसी इज कॉल्ड कोरोजन। चल जाना था, चल जाना इसका जो कोरोजन का जो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रस्टिंग ऑफ एलिमेंट, रस्टिंग ऑफ मेटल जिसका उदाहरण होता है ठीक है। इसके बाद रेंसिडिटी क्या होता है, द अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल ऑकर्स ड्यू टू, ऑकर्स ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल्स ठीक है। अनप्लेजेंट स्मेल ऑकर्स ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड रैंसिडिटी। तो रैंसिस के बाद जो जानना है वो है कि रैंसिडिटी को कैसे बचाया जा सकता है, रैंसिडिटी से कैसे बचाया जा सकता है, तो उसका कुछ तरीका होता है कीपिंग द फूड इन द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में भोजन रख करके। दूसरा बाय पुटिंग द एंटी ऑक्सीडेंट, ऐसे हम लोग जानते हैं कि चिप्स वगैरह में जो गैस भरा जाता है उसका नाम है नाइट्रोजन गैस ठीक है। ये क्या करता है तो प्रिवेंट करता है ना, रैंसिड होने से बचाता है। तो नंबर वन स्टेप क्या होता है, पुटिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर है ना, पुटिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में पुट करने पे, या सब लिख सकते हैं फ्रिज में रखने से ठीक है, रेफ्रिजरेटर में पुट करने से कीपिंग द फूड विद नाइट्रोजन, या एंटी ऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसका जो नाम होता है बी एच टी होता है और बी एच ए होता है, जिसका नाम है ब्यूटालेटेड हाइड्रोऑक्सीटोलीन और ब्यूटालेटेड हाइड्रोऑक्सी एनिसोल। तो एक हाय आपको रेंसिडिटी से कैसे बचाया जा सकता है, तो सबसे पहला कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, नंबर टू क्या कहता है तो कहता है पुटिंग द फूड विथ नाइट्रोजन गैस है ना, जैसे कि चिप्स वगैरह पैकेट में होता है, और थर्ड है बाय पुटिंग एंटी ऑक्सीडेंट बी एच टी एंड बी एच ए, बी एच टी स्टैंड फॉर ब्यूटालेटेड हाइड्रोऑक्सीटोलीन एंड बी एच ए स्टैंड फॉर ब्यूटालेटेड हाइड्रोऑक्सी एनिसोल। इसके बाद जो है आपका जानना था कि फिर एक होता है कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, धूप से भी बचा करके रखेंगे ठीक है। तो ये सारा था आपका रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई थिंक आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी सो दैट आई कैन हेल्प यू।